गुड मॉर्निंग क्लास सिक्स स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट इंग्लिश ग्रामर. दिस इज लेक्चर नंबर 19 एंड टुडे इज May 28, 2021. ओके स्टूडेंट्स, कंटिन्यूइंग विथ लेसन नंबर 3. टुडे वी आर गोइंग टू डू एक्सरसाइज नंबर HING. सो गाइस, टर्न टू पेज नंबर 37 एंड फॉलो दिस वीडियो अटेंटिवली. Exercise H part, antonyms. Complete the spellings to write the opposite of the given adjectives. Then use the new words in the sentences of your own. Okay, सबसे पहले look at the yellow box. जो right hand side में दिया हुआ है. Antonyms are words that have opposite meaning to each other. Example, thick, thin. Okay, in simple words, antonyms का मतलब है opposite words. So, आपको नीचे दिए हुए adjective के opposite words के spelling को complete करने हैं. और जहाँ तक उन opposite words के sentence बनाने की बात है, आप लोग अपने हिसाब से sentence बना के लिख सकते हो. ठीक है? ओके, नंबर 1, well. well का एंटोनियम है ill. well का मतलब है एकदम ठीक. ठीक है, ठीक, तंदुरुस्त है ना. ill का मतलब है बीमार. सो मैंने पहले सेंटेंस तो मैंने यहाँ पर अपने हिसाब से एक सेंटेंस लिखा है. ही डिड नॉट अटेंड द स्कूल बिकॉज ही इज ill. ठीक है. नंबर 2, स्टेल. स्टेल का एंटोनियम है FRESH, फ्रेश, बासी, ताज़ा. ठीक है, फ्रेश का सेंटेंस आप खुद अपने हिसाब से बना लो. नंबर 3, डल, ब्राइट. ठीक है, BRIGHT, ब्राइट. नंबर 4, अगली. इसका एंटोनियम है ब्यूटीफुल, BEAUTIFUL, ब्यूटीफुल. नंबर 5, स्मूथ. स्मूथ का एंटोनियम है रफ, ROUGH, रफ. नंबर 6, सेफ. सेफ का एंटोनियम है हार्मफुल, HARMFUL, हार्मफुल. ठीक है. नंबर 7, यूजफुल. यूजफुल का एंटोनियम यानी ऑपोजिट है यूजलेस, USELESS, यूजलेस. नंबर 8, लाइट. लाइट का एंटोनियम है हैवी, HEAVY, हैवी. नंबर 9, वर्ड है चिल्ली. चिल्ली के ऑपोजिट वर्ड है वार्म, WARM. चिल्ली का मतलब है ठंडा, वार्म का मतलब है थोड़ा गर्म. ठीक है. नंबर 10, रिच. रिच के अपोजिट है POOR, पुअर. ओके, इसके बाद आते हैं सिमिलीज. सबसे पहले येलो बॉक्स में देखो. वी यूज सिमिलीज टू कंपेयर टू थिंग्स. एग्जांपल, द बैग इज एज लाइट एज अ फेदर. एग्जांपल 2, विदाउट माय स्पेक्टिकल्स आई एम एज ब्लाइंड एज अ बैट. अब यहाँ पर लाइट एज अ फेदर, फेदर जैसा हल्का. ठीक है, ये है सिमिली. ठीक है, वो फेदर को कंपेयर कर रहा है. फेदर कैसा है? लाइट है बोल के. ठीक है. ओके, एक्सरसाइज आई नाउ. एक्सरसाइज आई, कंप्लीट द फॉलोइंग सिमिलीज. मतलब कि एक एडजेक्टिव जो दो चीज़ों को कंपेयर करते हैं यानी तुलना करते हैं, ऐसे एडजेक्टिव वर्ड्स को हम सिमिलीज कहते हैं. सिमिलीज के बहुत सारे एग्जांपल्स एक्सरसाइज आई पार्ट में दिए हैं. सो आपको एक्सरसाइज आई पार्ट में नीचे दिए सिमिलीज को कंप्लीट करना है. ओके, नंबर 1, एज कोल्ड एज आइस. आइस की जैसे ठंडा. आइस कैसे, आइस कैसे था? ठंडा था. ठीक है, आइस के बारे में कुछ कह रहे हैं. नंबर 2,
as loud as thunder. Number 3, as hot as pepper, या आप लिख सकते हो फर्नेस. ठीक है, अब यहाँ पर जैसे कि फर्नेस मीन्स लोहा बिखलने वाले गर्म भट्टी होता ना, ऐसे को हम कहते हैं फर्नेस. और पेपर मीन्स तीखा मसाला जो हम खाने में डालते हैं. ओके, नंबर 4, एज क्विक एज फ्लैश या एज क्विक एज लाइटनिंग. नंबर 5, एज बोल्ड एज अ ब्रास. नंबर 6, एज ब्यूटिफुल एज रेनबो या सनसेट. नंबर 7, एज टॉल एज जायंट या आप लिख सकते हो जिराफ. यहाँ पर ऑप्शंस है, ठीक है, यहाँ पर कई कई जगह में मैंने दो ऑप्शंस दिया हुआ है, आप कोई भी एक ऑप्शंस लिख सकते हो. नंबर 8, एज फास्ट एज चीता या आप लिख सकते हो डियर. नंबर 9, एज फनी एज क्लाउन. क्लाउन का मतलब है जोकर. नंबर 10, एज ड्राई एज बोन, हड्डी, डेजर्ट, रेगिस्तान. नंबर 11, एज टाइनी एज एन एंट या अ ग्रास ऑफ सैंड, सॉरी अ ग्रेन ऑफ सैंड. ठीक है, नंबर 12, एज वेट एज अ फिश. ओके, नाउ टर्न द पेज. एडजेक्टिव फ्रेजेस, अब आते हैं एडजेक्टिव फ्रेजेस पे. अ ग्रुप ऑफ वर्ड दैट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव फ्रेज. एग्जांपल, अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क कैन बी रिटन एज अ सिल्कन ड्रेस. ओके, अब जैसे कि फ्रेज का मतलब है अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. सो एक ऐसा ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो किसी चीज़ को डिस्क्राइब करते हैं, यानी एक एडजेक्टिव वर्ड्स जो साथ में एक नाउन को डिस्क्राइब करते हैं, ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम एडजेक्टिव फ्रेज कहते हैं. एग्जांपल, जैसे कि बुक में दिया है अ ड्रेस मेड ऑफ सिल्क, सिल्क से बनाया हुआ एक ड्रेस. अब उसको आप लिख सकते हैं सिल्कन ड्रेस. ड्रेस इज अ नाउन और ड्रेस को डिस्क्राइब किया गया है सिल्कन. द वर्ड सिल्कन इज एडजेक्टिव, ड्रेस इज अ नाउन. सो ये दोनों मिलाकर बनते हैं एक एडजेक्टिव फ्रेज. ठीक है, ओके, नाउ कमिंग टू एक्सरसाइज जे पार्ट. रिप्लेस द एडजेक्टिव फ्रेज विद एन एडजेक्टिव इन ईच सेंटेंस. आपको नीचे दिए गए अंडरलाइन फ्रेज को एक एडजेक्टिव में चेंज करके नीचे खाली जगह में सेंटेंस को दोबारा लिखने हैं. ओके, यहाँ पर नंबर 1 में फ्रेज है वेजिटेबल दैट आर फ्रेश. सो आपको लिखना है दीज फ्रेश वेजिटेबल्स आर ग्रेट टू ईट. नंबर 2, रूम्स विच आर फुल ऑफ ब्राइट लाइट. अब उसको आप चेंज करके लिखना है दैट ब्राइट रूम इज एरी एंड कंफर्टेबल. रूम कैसा था? ब्राइट. नंबर थ्री में अंडरलाइन वर्ड है, वर्ड्स मतलब फ्रेज है नाइफ विच इज शार्प. दिस शार्प नाइफ कैन कट योर फिंगर. शार्प नाइफ, नाइफ विच इज शार्प को चेंज किया गया है शार्प नाइफ में. ठीक है, नंबर 4, मेन दैट आर फेमस. सो इसको चेंज करो, दीज फेमस मेन बिलोंग टू माय विलेज. ओके, नंबर 5, चेयर विद ब्रोकन लेग्स. अब उसको चेंज करके आपको लिखना है दैट ब्रोकन चेयर नीड्स टू बी रिपेयर्ड. नंबर 6, द बर्ड विद रेड फेदर इज अ रेयर वन. अब यहाँ पर बर्ड विद रेड फेदर को अंडरलाइन किया गया है, उसको चेंज करके आपको लिखना है दैट रेड फेदर्ड बर्ड इज अ रेयर वन. नंबर 7, कप्स मेड ऑफ प्लास्टिक. उसको चेंज करो तो सेंटेंस बनते हैं दोज प्लास्टिक कप्स आर चिप्ड एट द एजेस. ओके स्टूडेंट्स, आज के ऑनलाइन क्लास बस यहीं तक. फॉर होमवर्क डू एक्सरसाइज एच आई एंड जे पार्ट ऑन योर बुक इटसेल्फ
सो तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ एट होम।